हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है प्रूव दैट, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के 6 तक देख लिए थे, अब हम लोग 7 से इसके देखते हैं। इसके 7 नंबर का हम लोग LHS लेते हैं। LHS में देखिए दिया हुआ है साइन 11A इंटू में साइन ए प्लस साइन 7A इंटू में साइन 3A बाई में कॉस 11A इंटू में साइन ए और प्लस कॉस 7A इंटू में साइन 3A। एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग कि मल्टीप्लाई बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो 2 साइन 11A साइन ए प्लस 2 साइन 7A इंटू साइन 3A बाई में 2 कॉस 11A इंटू में साइन ए प्लस 2 कॉस 7A इंटू में साइन 3A। चलिए, तो हम लोग ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इन सब के लिए। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है यहाँ पर कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें 2 कॉस ए साइन बी की, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 11A माइनस ए माइनस कॉस 11A प्लस का ए, फिर प्लस यहाँ पे लगाते हैं तो हो जाएगा आपका कॉस 7A माइनस का 3A माइनस कॉस 7A प्लस का 3A, ठीक है। चलिए, अब बाई में देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। साइन 11A प्लस का A और माइनस साइन यहाँ पर हो जाएगा आपका 11A माइनस का, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 7A प्लस का 3A माइनस साइन 7A माइनस का 3A, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद देखिए, चलिए क्या आ जाएगा ऊपर यहाँ पे, कॉस 10A माइनस का कॉस 12A प्लस कॉस 4A माइनस का कॉस 10A बाई में। नीचे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 12A माइनस का साइन 10A प्लस साइन 10A माइनस का साइन 4A। यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे। अब इसके बाद देखिए क्या बचता है, तो ऊपर हो गया आपका कॉस 4A माइनस का कॉस 12A और नीचे हो गया आपका साइन 12A माइनस का साइन 4A, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए, तो अब देखिए आप फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। दूसरा अगर हम लोग यहाँ बात करें साइन सी माइनस साइन डी के लिए, तो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इन दोनों का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन 4A प्लस का 12A बाई में 2 और फिर साइन 12A माइनस का 4A बाई में 2। बाई में नीचे देखिए 2 कॉस 12A प्लस का 4A बाई में 2 और साइन 12A माइनस का 4A बाई में 2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ 2 से 2 ये कट जाएगा। अच्छा, ये देखो ना, ये दोनों टर्म भी हट जाएंगे। ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ये 16 बाई 2 यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 8A
और नीचे आ जाएगा cos 8a, यानी आ जाएगा ये tan हो जाएगा, tan 8a आपका RHS आ गया। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए।